नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बनी हुई जो ये असेंबली आप देख रहे हैं, ये एक पाइप वाइज असेंबली है। इस असेंबली को इससे पहले भी आपने मेरे साथ NX12 ऑटोडेस्क इन्वेंटर, CATIA V5 और क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर बनाया, तो आज हम इसे बनाएंगे ऑटो कैड 2021 3D पर। आप मेरे साथ इसे बनाना शुरू कर सकते हैं। इससे पहले भी यहाँ पर जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि हमने इसमें तीन अलग अलग पार्ट्स बनाए। पहला ये वी ब्लॉक, दूसरा है ये स्लाइडिंग क्लैंप और तीसरा है ये बोल्ट। तो चलिए हम इन तीनों कंपोनेंट्स को बनाते हैं पहले, उसके बाद इन्हें इनकी पोजीशन पर लगाएंगे। तो मैं यहाँ से पहले ये फाइल क्लोज कर देता हूँ। फाइल क्लोज करने के बाद दोस्तों, अब जो ये हमारे सामने स्क्रीन आई है, ये वो स्क्रीन है जो सबसे पहले हमारे सामने आती है जब हम ऑटो कैड के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ से ये देखिए, यहाँ एरो पर मैंने क्लिक किया, ये ड्रॉप डाउन में यहाँ पर आपको acad3d.dwt मिल रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली हम जो फाइल ओपन होगी हमारे सामने वो 3D की होगी। और उसके अलावा आप यहाँ पर जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये जो रिबन है, इस रिबन में 3D की कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं। तो यहाँ से हम जनरली जब भी हम ओपन करते हैं तो जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जिसमें ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन ओपन होता है और 2D की फाइल ओपन होती है, तो जब हम 3D मॉडलिंग करना शुरू करते हैं तो हमें ये चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये चेंज होकर आ गया, यही आपको डिफ़ॉल्ट में नज़र आएगा। डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो है उसमें यही रिबन नज़र आता है। तो हमें चूंकि 3D मॉडलिंग करनी है तो हमने जब से फाइल सेलेक्ट की तो acad3d जो है हमने वो सेलेक्ट किया, और यहाँ से हम ये इसे इस आइकन को कहते हैं वर्क स्पेस स्विचिंग, यहाँ से हम ये 3D मॉडल सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमें 3D मॉडल की कमांड्स नज़र आने लगेंगी। तो ये देखिए, ये चेंज हो गया। अब मैं इसे बनाना शुरू करता हूँ असेंबली को। तो पहले हम बनाएंगे वी ब्लॉक। तो मैंने यहाँ से अनसेव्ड व्यू पर क्लिक किया और यहाँ से फ्रंट ले लिया। इससे पहले आपने 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स जो देखे थे उनमें अलग तरीके से बनाया था, इसमें हम सब एक साथ बनाएंगे। और जैसा कि ये स्क्रीन देख रहे हैं आप, ये ब्लैक एंड वाइट सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम इसे ये जो व्यू क्यूब है यहाँ टॉप पर कर्सर को लेकर जाएंगे और राइट क्लिक करके पैरेलल का ऑप्शन लेंगे। तो अब हमें जो फाइल नज़र आएगी, देखिए मतलब जो ड्राफ्टिंग एरिया जैसे 2D में नज़र आता है बिल्कुल वैसे नज़र आने लगा। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से मैंने लिया, रेक्टेंगल पर क्लिक किया और मैसेज आता है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, मैंने क्लिक किया। इसके बाद D टाइप करके एंटर प्रेस किया, मैसेज आता है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल 120 टाइप करके एंटर प्रेस किया, मैसेज आता है अब स्पेसिफाई विड्थ फॉर रेक्टेंगल, मैंने 120 टाइप करके एंटर प्रेस किया और लेफ्ट क्लिक कर दिया कहीं पर भी। तो देखिए ये कमांड से हम बाहर निकला है। अब जूम इन करने के लिए, सॉरी जूम आउट करने के लिए स्क्रॉल को इधर उधर घुमाएंगे तो जूम इन जूम आउट होगा। अब इसे हम अभी देखिए इस पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ एक बार में सेलेक्ट हो रहा है, तो मैंने एस्केप दबाया। अब इसे हम तोड़ देंगे यानी कि एक्सप्लोड कर देंगे। तो मैंने टाइप किया एक्स और एंटर प्रेस किया, मैसेज आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। तो इस तरह से देखिए अब ये अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में टूट गया है। अब हम यहाँ से एक वर्टिकल सेंटर लाइन और एक हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन बनाएंगे लाइन की मदद से। लाइन पर मैंने क्लिक किया, मैसेज आता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, मैं यहाँ पे ये देखिए मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर मैंने क्लिक किया और दूसरा क्लिक भी यहाँ मिड पॉइंट पर किया और एस्केप दबाया। मिड अगर आपको मतलब परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है तो वो भी ठीक है। यहाँ से ये देखिए ये मिड पॉइंट और इधर ले जाने पर ये देखिए यहाँ पर मिड पॉइंट नज़र आया, क्लिक कर दिया, एस्केप दबा के बाहर निकलेंगे कमांड से। अब यहाँ से ये देखिए ये ऑर्थो मोड ऑन रखा है मैंने। अब ओ टाइप करके एंटर प्रेस किया, मैसेज आता है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, मैंने दे दिया कितना 12 टाइप करके एंटर प्रेस किया। ये देखिए एक क्लिक इधर, एक क्लिक ऊपर, एक क्लिक इधर, एक क्लिक नीचे, एस्केप दबाया बाहर निकला है। अब ओ टाइप करके फिर से एंटर प्रेस किया, मैसेज आता है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, इस बार ऑफसेट डिस्टेंस लिया मैंने 40 और एंटर प्रेस किया। इस लाइन को नीचे की तरफ और इस लाइन को इधर की तरफ और एस्केप दबाया कमांड से बाहर निकला है। अब यहाँ से ट्रिमिंग करना शुरू करेंगे हम। ट्रिम करने से पहले एक लाइन और बना लेते हैं। मैंने लाइन पर क्लिक किया, इस पॉइंट पर क्लिक किया यहाँ पर और ऑर्थो मोड को यहाँ से ऑफ कर दिया और इधर इस तरह से देखिए आ गए हम। इस वाली लाइन के नीचे लेकर आया हूँ मैं कर्सर को और मैंने टैब दबाया। टैब दबाने पर यहाँ से मैंने टाइप किया -50 और एंटर प्रेस किया और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकला है। अब इसको जूम करके देखें, ये थोड़ा सा एक्सटेंड होकर बन रही है। देखिए बगैर जूम किए नज़र नहीं आ रहा, तो TR टाइप करके डबल एंटर और उसके बाद ये यहाँ क्लिक किया, देखिए ये ट्रिमिंग हो गई। थोड़ा सा अब इसको जूम कर लिया। अब हम फाइनल जो ट्रिम करना था वो करना शुरू करेंगे।
इस तरह से दोस्तों ये ट्रिमिंग हो जाएगी। एंटर किया, एम आई टाइप करके एंटर प्रेस किया, इस लाइन पे क्लिक किया, एंटर दबाया, और अब एक क्लिक ये मिड पॉइंट पर और एक क्लिक इस परपेंडिकुलर पॉइंट पर, एंटर दबाया। इस तरह से हमें देखने लगा, टी आर टाइप करके फिर से डबल एंटर, और अब हम ट्रिमिंग करना शुरू करेंगे। एक ये पोर्शन और यहाँ से ये और यहाँ से ये, ठीक है। एस्केप दबाकर बाहर निकला है। अब फिर से हमें मिरर करना है, एम आई एंटर, एक दो और तीन। याद रहे इसमें हमें मल्टीपल सिलेक्शन के लिए कंट्रोल नहीं यूज़ करना है। एंटर दबाया मैंने, अब एक क्लिक इधर और एक क्लिक इधर, एंटर दबाया फिर से। अब एम आई टाइप करके फिर से एंटर किया, अब एक दो तीन, फिर याद रहे कंट्रोल नहीं प्रेस करना हमें। एंटर दबाया और इसके बाद ये हो जाएगी हमारी मिरर लाइन, एक ये इंटरसेक्शन और ये परपेंडिकुलर, एंटर। अब टी आर डबल एंटर, और ये देखिए ये ट्रिम कर दिया हमने, इधर से ये ट्रिम। एस्केप दबाया और यहाँ से ये लाइन से कनेक्ट कर दिया इसे। ओके, तो अब ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से तैयार हो गया। इन दोनों लाइनों को सेलेक्ट करके इरेज कर दिया। अब यहाँ से हम ये देखिए ये इसे ट्रैक करते हुए इसी लेवल पर, ओके, एस्केप दबाया, यहाँ से लेंगे हम सेंटर डायमीटर। अब इधर से ट्रैक करते हुए इस साइड जाएंगे, यहाँ क्लिक किया और डायमीटर की वैल्यू थी 96। अगेन सेंटर डायमीटर, कर्सर को यहाँ लेकर आए, ये देखिए सेंटर दिखा, क्लिक किया इस पर, वैल्यू दे दी 144, एंटर प्रेस किया। इसके बाद फिर से लाइन पर जाएंगे और ये देखिए ये क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट पर क्लिक किया और इधर इस वाले क्वाड्रेंट पर क्लिक किया और एंटर दबाया। अब खिसका लेते हैं थोड़ा सा इसको, पैन कर लिया, टी आर डबल एंटर और एस्केप। इसके बाद ये लाइन सेलेक्ट की, इसे ई टाइप करके इरेज, ई टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे तो ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगा। अब यहाँ से ये क्वाड्रेंट नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया इस, और यहाँ से ऑर्थो मोड को ऑन कर दिया। इस तरफ लेकर आएंगे कर्सर को, टाइप करेंगे 11, एंटर प्रेस किया। नीचे लेकर आए कर्सर को, टाइप करेंगे 72, एंटर प्रेस किया। यहाँ लेकर आएंगे 24, एंटर प्रेस किया। ऊपर लेकर जाएंगे यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ से कंट्रोल जेड किया मैंने, इस डायरेक्शन में जो हम लेकर आएंगे वो आएंगे 44, एंटर। अब यहाँ से ऊपर लेकर जाएंगे 24, एंटर। इस दिशा में लेकर आएंगे 24, एंटर। यहाँ से ऊपर ये थोड़ा ऊपर ले जाएंगे और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकलेंगे। फिर से लाइन में गए, अब ये क्वाड्रेंट से ये थोड़ा सा और आगे जाकर यहाँ क्लिक करेंगे, एस्केप। अब ये बचा हुआ जो पोर्शन है इसे ट्रिम कर देंगे, टी आर डबल एंटर करके इसे ट्रिम कर देंगे। अब ये देखिए मैंने विंडो बनाई है चारों तरफ कमांड से बाहर निकलने के बाद, ये इस तरह से सिलेक्शन हो गया और एक क्लिक इधर एक क्लिक इधर। अब टाइप किया एम आई और एंटर प्रेस किया, अब ये सेंटर नज़र आ रहा है, एक क्लिक सेंटर पर और एक क्लिक ये मिड पॉइंट पर, और एंटर दबा के कमांड से बाहर निकला है। तो देखिए ये यहाँ पर अब क्लैंप वाला हिस्सा बन गया। अब इसमें हमें एक काम और करना है, यहाँ से ये जो मिड पॉइंट है लाइन पे जाने के बाद, यहाँ से ऊपर जाएंगे 16 mm, इस दिशा में आएंगे 24 mm, और नीचे की तरफ ये हमने क्रॉस करते हुए सर्कल को यहाँ पर क्लिक कर दिया, एस्केप दबाया, एम आई एंटर, ये दोनों लाइंस को सेलेक्ट किया, एंटर दबाया, और उसके बाद एक क्लिक इधर एक क्लिक इधर, एंटर, टी आर डबल एंटर, और इस तरह से इरेज। ओके, तो अब अगला प्रोफाइल जो हमें बनाना है वो कैसे बनेगा, वो यहाँ से हम ये ट्रैक करते हुए लेकर जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे कितना 75। ओके, अब यहाँ से मैंने एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। अब यहाँ से
नीचे जाएंगे हम कितना, 160 -75 यानी कि 85 mm नीचे, और इधर जाएंगे हम कितना, 12, एंटर, ऊपर जाएंगे 160, एंटर, फिर इधर आएंगे 12, एंटर, फिर इधर आएंगे ऊपर 40, एंटर, फिर इधर आएंगे 24, एंटर, और यहाँ इससे ये मिला दिया हमने और एस्केप दबाया। ये 75 की लाइन जो ये अलग से बनाई थी, इसके पीछे क्या है कि इसकी पोजिशनिंग जो है हमें उतना करने में आसान हो जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसे रीजन में क्रिएट कर लेते हैं तीनों चीज़ों को। REG टाइप करके एंटर प्रेस किया और ये जो तीन ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं तीनों को सेलेक्ट किया ऐसे विंडो बना के और एंटर दबाया। ये देखिए ये तीनों रीजन में कन्वर्ट हो गए, इस तरह से नज़र आने लगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये होम पर जाएंगे हम और अननेम्ड WCS। इसके बाद देखिए एक्सट्रूड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, इस डायरेक्शन में लेकर जाएंगे, टाइप करेंगे 100 और एंटर। फिर इसके बाद यहाँ से एक्सट्रूड फेसेस सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये फेस सेलेक्ट मैंने किया, एंटर दबाया। अब स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूजन ले ली फिर 100, एंटर प्रेस किया। स्पेसिफाई एंगल ऑफ टेपर 0 ही रहेगा तो एंटर प्रेस कर दिया। तो देखिए हमने ये इस वजह से किया, हम एक साथ एक्सट्रूड कर सकते थे इसे, लेकिन हमने क्या किया, इस पॉइंट से 100 mm पीछे और इस पॉइंट से 100 mm इधर, इस तरह से इसकी इसे पोजीशन देने में हमें बहुत आसान रहेगा। अब EXT एक्सट्रूड एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सट्रूड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस किया। अब पीछे के डायरेक्शन में लेकर जाएंगे कितना, 20, एंटर प्रेस किया। अगेन वही एक्सट्रूड फेसेस सेलेक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रूड फेस, ये फेस है, इसे सेलेक्ट किया, ये फेस नहीं सेलेक्ट हुआ, एस्केप दबाया। दोबारा से जाएंगे एक्सट्रूड फेसेस, ये देखिए ये फेस सेलेक्ट हुआ, एंटर दबाया। अब स्पेसिफाई हाइट ऑफ एक्सट्रूजन 20 और स्पेसिफाई एंगल ऑफ टेपर ये 0 है तो एंटर ही दबा देंगे, तो इस तरह से ये दिखाई देगा, एस्केप। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें एक जो है हमें थ्रेड भी बनाना होगा। थ्रेड बनाने से पहले हम इसमें थ्रेड बना लेंगे, जैसे अभी तक आपने पिछले वीडियोस में देखा था वो प्रोसेस यहाँ पे नहीं होगा। तो हम पहले तो इसे रिवॉल्व कर लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को REV टाइप करके एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, और इसके बाद एक क्लिक ऊपर एंड पॉइंट पे और एक क्लिक यहाँ इस एंड पॉइंट पर और एंटर दबा दिया। ओके इसके बाद अब हमें थ्रेड प्रोफाइल बनाना है, तो थ्रेड प्रोफाइल बनाने के लिए हम यहाँ से पहले गए फ्रंट पर, ये लिया पैरेलल। अब हम यहाँ से थ्रेड प्रोफाइल बनाएंगे, ये लिया लाइन, लाइन के बाद हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं, यहाँ से नीचे आएंगे कितना, 2 mm, टू दो टाइप करके एंटर प्रेस किया, एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले। अब हम यहाँ से फिर से लाइन पर गए, ये मिड पॉइंट है, इस डायरेक्शन में भी 2 mm चले जाएंगे, एंटर प्रेस करके बाहर निकल आए कमांड से। अब इस दिशा में ऐसे बढ़ेंगे, ऑर्थो मोड को मैं ऑफ कर दे रहा हूँ, इस तरह से टैब दबाया, ये ले लिया हमने कितना, 30 डिग्री ले लेते हैं, 30 टाइप करके एंटर प्रेस किया और एस्केप दबा के कमांड से बाहर निकला है, TR डबल एंटर। अब ये और ये दोनों को ट्रिम किया, एस्केप दबाया, फिर से L एंटर किया, लाइन कमांड में गए और एक पॉइंट यहाँ क्लिक किया और एक पॉइंट इधर क्लिक कर दिया। तो ये एक थ्रेड प्रोफाइल के लिए हमने ट्राइंगल बना लिया, E टाइप करके एंटर प्रेस करके बीच वाली लाइन हमने इरेज कर दी। अब एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, इसके बाद हम F टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, फिर R टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, फिर वैल्यू देंगे 0.1 और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद ये लाइन और इस लाइन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए दोनों ये फिलेट हो जाएंगे। फिलेट करने के बाद इसे हम रीजन में कन्वर्ट कर लेते, REG एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और एंटर, ये दो काम किए हमने। अच्छा इसके बाद हमें बनाना क्या है, हेलिक्स। तो वो बनाने के लिए हमने यहाँ पहले होम पर क्लिक किया, अननेम्ड WCS, ये देखिए छोटी सी प्रोफाइल यहाँ पर बनी हुई है, ये देख रहे हैं,
इस तरह से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हेलिक्स बनाना होगा हमें पहले। ड्रॉ पे ये देखिए यहाँ पर हेलिक्स मिलता है, हेलिक्स पर क्लिक किया, मैसेज आता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस। थोड़ा जूम करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पर ये मिला हमें सेंटर, इस पर क्लिक किया। अब अगला मैसेज है स्पेसिफाई बेस रेडियस, ले लिया हमने 12 और एंटर प्रेस किया। अगला मैसेज आता है स्पेसिफाई टॉप रेडियस, फिर ले लिया 12 और एंटर प्रेस किया। इसके बाद ये देखिए इस तरह से स्प्रिंग ऊपर की तरफ ये बनता हुआ जा रहा है। अब हम करेंगे एच एंटर, यानी एच टाइप करके एंटर प्रेस किया। एच एंटर से हम पिच देंगे इसका, यानी पिच हमने ले लिया 4 और एंटर प्रेस किया। अब हाइट हम इसकी ले लेते हैं 155 और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये इस तरह से देखिए इसने ये एक हेलिक्स जो है इस पर चढ़ जाता है पूरी तरीके से। अब हम क्या करेंगे कि अब हमें कुछ चैम्फर करना है, यहाँ से सॉलिड फिलेट एजेस चैम्फर एजेस। इसके बाद हम टाइप करेंगे डी और एंटर प्रेस करेंगे। स्पेसिफाई डिस्टेंस 1 का मैसेज आता है तो 2 टाइप करके एंटर प्रेस किया। स्पेसिफाई डिस्टेंस 2 का मैसेज आता है तो फिर से 2 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। और ये जो एज हमें नज़र आ रही है इस पर क्लिक करेंगे और डबल एंटर। अगेन यही प्रोसेस दोहराएंगे हम, चैम्फर एजेस पर क्लिक किया और इस बार वैल्यू नहीं देनी होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे और एंटर 2 बार दबाएंगे। तो ये देखिए दोनों जो कॉर्नर्स थे नीचे और ऊपर वाला, ये चैम्फर हो गए। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है हमारे लिए कि हम ये हेलिक्स पर क्लिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया, एस्केप दबाया हमने। अब हम यहाँ से ये देखिए जैसे हेलिक्स हाईलाइट होगा, देखिए इस समय दोनों हो रहे हैं, लेकिन जैसे ये हेलिक्स हाईलाइट हुआ इस पर क्लिक किया, लेकिन ये फिर से सिलेक्शन हो गया इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, होम पर गए, रियलिस्टिक से इसे चेंज करके वायर फ्रेम में कर लेते हैं। वायर फ्रेम में देखिए अब हमें सिलेक्शन करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब हमने यहाँ से ये देखिए इसको सेलेक्ट किया और 3DM, ये देखिए 3D Move आया, इस पर क्लिक किया। अब ये हमारे सामने ये देखिए ये एक्सेस आ रहा है, इस पर क्लिक किया और नीचे कितना लेकर आएंगे, 5 mm, 5 टाइप करके एंटर प्रेस कर दिया। देखिए 5 mm नीचे हेलिक्स जो है वो शिफ्ट हो गया। अच्छा अब यहाँ से हम इसे स्वीप करेंगे, देखिए एक्सट्रूड स्वीप और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप। इसे हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया और ये स्वीप पाथ के लिए कह रहे हैं, तो सेलेक्ट स्वीप पाथ, स्वीप पाथ पर क्लिक कर दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि थ्रेड बना रहा है ये। चूंकि अब हम वायर फ्रेम में हैं तो इतना समय नहीं लगेगा, यही अगर हम रियलिस्टिक में इस कमांड को एग्जीक्यूट करते तो इससे ज़्यादा टाइम लेता। इस तरह से देखिए हमें ये ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से ये देखिए ये था यूनियन, यूनियन के नीचे ये है सब्ट्रैक्ट। इसका जो शॉर्टकट है वो है SUBT एंटर। बड़ा ऑब्जेक्ट है चूंकि ये बोल्ट, इसे हम सेलेक्ट करेंगे पहले, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर प्रेस किया। इसके बाद हम ये जो हमने ये स्प्रिंग जैसी शेप बनाई है इस पर क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है, तब हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो दिखेगा। ये कमांड एग्जीक्यूट ही तभी होगी। अब यहाँ से हम लेकर आते हैं यहाँ फ्रंट पर, तो इस तरह से देखिए ये आपको ये थ्रेड बनी हुई नज़र आएगी। ओके तो चलिए अब हम इसे दोबारा रियलिस्टिक में लेकर आते हैं। यहाँ से ये रहा रियलिस्टिक, तो और इसके बाद होम और WCS।
अब यहाँ पर क्या करना है हमें, देखिए कि यहाँ पर हमें एक सर्कल बनाना होगा। मैंने यहाँ ये देखिए ये लाइन की मदद से ये फेस पर गए, जब ये फेस हाईलाइट हो गया, इस मिड पॉइंट पर क्लिक किया, फिर इस मिड पॉइंट पर क्लिक किया, एक लाइन बन गई। ओके, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमें इस ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रखना है। तो एम एंटर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब हमने क्या किया कि ये जो ये सेंटर है, देखिए ऊपर वाला चाहे नीचे वाला, ये जो सेंटर है यहाँ से पकड़ा और इसे ये यहाँ पर रखना है। बस हमें करना क्या, पहले मैं एस्केप दबा रहा हूँ, इसे हम कॉपी करके लाएंगे। कॉपी, सी ओ एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब ये सेंटर हमने पकड़ा और यहाँ पे रख दिया, ये मिड पॉइंट। थोड़ा सा जूम कर लेंगे, इस लाइन का जो ये मिड पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ पर हमने इसे रख दिया। ओके, अब इसे रखने के बाद क्या करेंगे, इसे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे हम। ये देखिए इस पर क्लिक किया, यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर गए, बस इतना काफ़ी है, यहीं पर हमने क्लिक कर दिया। अब ये देखिए ये इंटरसेक्ट होते हुए जा रहा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर से। ओके, अब हम फिर से सब्ट्रैक्ट कमांड यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पे एस्केप दबाया, SUBT एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि ये वाला, एंटर। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, फिर एंटर दबाएंगे। अब देखिए बोल्ट गायब हो जाएगा, सॉरी मैंने कंट्रोल जेड करता हूँ एक बार फिर से। हाँ, अब SUBT एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, अगेन सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट एंड एंटर। अब देखिए यहाँ पर जब ये ऑब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पर इसमें थ्रेड बनाते हुए सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसके अंदर जो इंटरनल थ्रेड आपको दिखाई दे रहे हैं वो इसमें बन गए, हमने सब्ट्रैक्ट करके इसमें थ्रेड बना लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको पोजीशन देनी है हमें, तो पोजीशन देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये देखिए फ्रंट पर आते हैं और इधर से पैरेलल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें करना क्या है, मूव यहाँ से हमें ये पॉइंट्स जो मिलने चाहिए, यहाँ से अब होम और नेम्ड WCS। ओके, अब पहले तो हम रेफरेंस बना लें यहाँ पर। एक रेफरेंस हमें यहाँ से ये देखिए ये मिड पॉइंट यहाँ तक का चाहिए। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले, अभी लाइन हमें ये दिख नहीं रही है। फिर से लाइन पर गए, ये देखिए जैसे ये फेस हाईलाइट हुआ, हमने ये देखिए ये है मिड पॉइंट, यहाँ से इस डायरेक्शन में पहले तो ऑर्थो को ऑन कर लिया और टाइप करेंगे 120 और एंटर प्रेस कर लिया। ये देखिए ये मिल गया हमें। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब लेंगे 3D पॉलीलाइन, एंटर किया। अब ये हमें मिल जाता है मिड पॉइंट, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ से ऊपर हमें जाना है जैसे, तो हम क्या टाइप करेंगे, यहाँ
यहाँ से फ्रंट ही ले लेते हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। हमने यहाँ से लिया फ्रंट पैरेलल। अब ये जो लाइन हमें दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये मिड पॉइंट लिया, यहाँ से ऊपर जाएंगे हम कितना, 144 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 50 और 11, सॉरी 50 और 22, यानी कि 72, यानी कि 72 में फिर हम 16 और जोड़ देंगे, 72 और 4 76 और 86, यानी 486 mm। ये है, ये पोजीशन है सही। अब यहाँ से WCS M एंटर, एक रेफरेंस लाइन इस पर भी हम बना लेते हैं। यहाँ से जैसे ही ये फेस हाईलाइट होगा इस डायरेक्शन में, अगर हम जाएं, 48 हो जाता है ये, देखिए ये लाइन बन गई। अब यहाँ से हमने एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, और ये देखिए इस लाइन का हमें मिड पॉइंट यहाँ पे मिलना चाहिए। थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं, ये रहा मिड पॉइंट। ऑटोकैड में असेंबली जो है वो इसी वजह से, पोजिशनिंग की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी रहती है। यहाँ से हमने रियलिस्टिक से कर लिया 2D वायर फ्रेम, अब हमारे लिए सिलेक्शन ज़्यादा आसान रहेगा। एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। अब ये लाइन का देखिए हमें सेंटर पॉइंट बड़े आराम से दिखाई दे रहा है। यहाँ से इसे उठाया और इसे ये देखिए यहाँ पर, ये पॉइंट पर ऐसे प्लेस कर दिया। इस लाइन की अब हमें ज़रूरत नहीं है, इरेज कर दिया। यहाँ से अब फिर से एम टाइप करके एंटर प्रेस किया, ये ऊपर वाले सेंटर से उठाया, ये देखिए ये सेंटर है, यहाँ पर यहाँ रख दिया। अब इस पर क्लिक किया हमने, ये अभी हम उसमें हैं वायर फ्रेम में, सेलेक्ट कर लिया इसे। अब 3DMO, ये है 3D मूव। अब ये जैसे ही हमें ये नज़र आ रहा है, यहाँ से हम ऊपर कितना जाएंगे, इस पर क्लिक करने के बाद एक्सिस पर एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल रहा हूँ मैं। अब इससे पहले हम यहाँ से रियलिस्टिक में ही कर लेते हैं, अब थोड़ा सा आसान हो जाएगा इसे मूव कराना। इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक किया, यहाँ से ये कर्सर पर, ये एक्सिस पर क्लिक किया और ऊपर की तरफ लेकर आएंगे हम 75 और एंटर प्रेस कर लिया। ये इस तरह से अब हमें दिखाई देगा। एक बार थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, अब इधर से हम लेकर जाते हैं कितना, 50। देखिए ये पोजीशन इस तरह से ये हमें नजर आने लगी, इस तरह से हम असेंबल करेंगे। जैसा कि आपने अभी पिछले वीडियोस में भी देखा, उनमें असेंबली के लिए अलग मॉड्यूल होता है, कंस्ट्रेन हम यूज़ करते हैं, लेकिन ऑटोकैड में ऐसा कुछ नहीं होता। तो ऑटोकैड में 3D मॉडलिंग करना और उसके अलावा आप अगर देखें तो असेंबल करना चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो दोस्तों ये था पाइप वाइज असेंबली इन ऑटोकैड 3D। यहाँ से हम फ्रंट पर क्लिक करते हैं, ये देखिए बिल्कुल सही जगह पर अपने ये बैठा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।